मैं डॉक्टर वी पी बंसल, आपके यहाँ जब कोर्स ज्वाइन किया था मेरा यूरिक एसिड 7 के आसपास रहता था, मेरा शुगर HbA1c 6.1 था, मुझे जैन में पहन लेता था और बगैर उपक्रम के कंस्टिपेशन रहता था अगर मैं फ्रूट सलाद नहीं खाऊं तो, और थोड़ी सी याददाश्त 1-8 साल से कम हो गई थी। आपके यहाँ कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो बिगेस्ट अचीवमेंट में हुआ कि यूरिक एसिड मेरा 5.7 हुआ, इन स्पाइट कि डेली में 2 बार दाल खा रहा हूँ, चीला खा रहा हूँ, बेसन खा रहा हूँ, जो कि लोग कहते हैं कि दाल से बढ़ता है, पहले बढ़ता था। अब आपके प्रोग्राम के बाद में यूरिक एसिड दाल बेसन चीला खाने के बाद भी नॉर्मल है। दूसरा ये शुगर का इशू है, शुगर तो मुझे अभी 2-4 महीने बाद पहले डिटेक्ट हुई थी 6.1। आपके प्रोग्राम के बाद में जब मेरा पहले फास्टिंग था 110, अब फास्टिंग मेरा हो गया 90 और HbA1c हो गया मेरा 5.7, तो शुगर और यूरिक एसिड तो इसका प्रमाण है काफ़ी नॉर्मल हो गया है। तीसरा बात, जब बिगेस्ट चेंज हुआ मेरा टोन बहुत ब्रॉड बेरी था, पेंट पहनता था अच्छे से लटकता था पेट और लगता था कि पूरी बॉडी तो अभी दूरी बदली है पर टोन बने जैसी के बने है ही। और आपके ट्रीटमेंट के बाद मेरी कमर का नाप से 4 इंच कम हुआ और मेरा वेट जो 78 था उससे 71.5 हो गया है। बिगेस्ट अचीवमेंट सर ये। नेक्स्ट जो लाभ हुआ कि मेरा सोच काफ़ी चेंज हो गया। पहले मुझे भावना थी कंपटीशन की या सबसे ऊपर मैं सुप्रीम रहूं, अब सब समाप्त लगता है कि सबका लाभ हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, मेरे साथी लोग भी आगे बढ़े, जिसको जानता हूं उनका ही भला हो, सो ये भी मन में काफ़ी चेंज आया मेरे पास में। जो क्रेविंग का आपका सवाल है, इससे बिगेस्ट अचीवमेंट सर, पहले दिन में आता था कि ये खा लें, इसको टेस्ट कर लें, नई चीज़ आई है, अब सर हर चीज़ सामने घर में रखी हुई है पर लगता है कि उठा के खाएँ। कई लोग इंसिस्ट करते हैं, मुझे कहीं जाए जाने काम पड़ता है, कभी तो अच्छा चाय पी लीजिए, काफ़ी पी लीजिए, अच्छा छाछ पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, अच्छा पर तो फ़ायदा करता है, मैं लगता मुझे खाने ही क्या फ़ायदा मुझे, जब मैं तो अच्छा ठीक हो रहा हूँ सर, केविंग मेरी नींद हो गई। पूरी कर पा रहे हैं अंदर कंट्री क्लिनिक में बैठते हैं तो 7-8 घंटे तकलीफ ही नहीं होती है, न बाबा पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब खुलो भी नॉर्मल है। सर मेंटल गेम है, शुरू शुरू में 2-4 बार लगा 2-3 हफ्ते में, बाद में लगा कि बहुत आसान काम है, इसमें क्या डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। जब आपने 18 आवर्स किया था 18/6 तब भी 2-4 दिन लगा, बाद में वो भी नॉर्मल लग गया। लीवर की प्रॉब्लम फेस करने के, हार्ट करने के मस्त है, इसके अतिरिक्त भी जो वो बीमारी है, यूरिक एसिड है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, इवन एनीमिया है इन लोगों को और प्रॉब्लम डाइजेशन की है, उन सबको सर करना चाहिए।